हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसमें बहुत सुंदर से बहुत ज़्यादा खुशबूदार प्लांट आते हैं। ये सोन चंपा, मतलब फ्लावर्स आते हैं, और ये सोन चंपा का प्लांट है, जिसे मैग्नोलिया चंपा का भी कहते हैं। और इस प्लांट में मेरे में येलो कलर के बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। एक भी फूल खिल जाए तो इतनी खुशबू आती है सारे में, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं खिल रहे हैं। वैसे इसमें फूल थोड़ा गर्मी में ज़्यादा आते हैं, और ये बड़ा ट्री ग्रो करता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है ये। मैं बिफोर लास्ट ईयर या लास्ट ईयर शायद सतकोल गई थी नैनीताल के पास में। वहाँ से मैंने वहाँ फ्लावर्स की वीडियो डाली थी सतकोल की, उसमें मैंने ये दिखाया था। ये बहुत बड़ा पेड़ था वहाँ पे, जैसे नॉर्मल ट्री होते हैं वैसे, और उसमें फूल खिले हुए थे, और उसके पास से निकलते थे तो इतनी खुशबू आती थी बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी। और इसको जब भी आप लगाओ तो थोड़े से बड़े गमले में ही लगाओ तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये प्लांट ट्री बनना होता है गमले में लगाओ तो। देखिए, मैंने भी इसको 16 इंच के गमले में लगाया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है और अच्छी हाइट लेगा अभी ये। और अभी रिपोर्टिंग के कारण थोड़ा सा ये शॉक में दिख रहा है, और वैसे भी इसकी ग्रोथ जो है थोड़ी गर्मी में और भी अच्छी होती है। तो अब जैसे जैसे सर्दी आएगी तो ये इसकी पत्तियाँ गिरनी शुरू हो जाती हैं, गर्मी में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ लेता है ये। और इस प्लांट की एक क्वालिटी और होती है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जहाँ ये लगा हुआ हो आसपास की मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है। इसमें माइकोराइजा एक रिलेशनशिप होता है फंगस के साथ, वो होता है, तो उसके कारण ये मिट्टी में नाइट्रोजन को भी फिक्स करता है, रिच बनाता है मिट्टी को ये। और फुल सन पसंद करता है ये, फुल सन में आप इसको रखो। और जब हम गमले में लगा रहे हैं प्लांट को, जब आप लगाओ तो फुल सन में, ज़मीन पे लगाओ तो चलेगा। अगर आप गमले में लगा रहे हो तो कोशिश करें कि ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसको आधे, जब बिल्कुल धूप होती है ना दोपहर की, वो धूप से थोड़ा बचे तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे थोड़ा शेड को भी पसंद कर लेता है ये गमले में आप लगाओ तो। और सॉइल इसको एसिडिक पसंद है, तो एसिडिक सॉइल पसंद है तो इसलिए जब हम इसकी मिट्टी तैयार करें गमले में भी डालें, तो जैसे एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद बताती हूँ मैं, तो इसमें थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट आप आधा हिस्सा और मिला लीजिए, तो इसकी सॉइल को, ये जो हमारी जितनी भी खाद होती हैं गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, वो मिट्टी को जो है वो एक तो पोरस बनाती हैं, मिट्टी की थोड़ी सी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बनाती हैं, थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करना शुरू कर देती हैं मिट्टी, रिच तो मिट्टी को बनाती हैं, और ये एसिडिक भी बनाती हैं। ज़्यादातर प्लांट्स को एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो जो खाद है वो ये काम करती हैं साथ में, हमारी मिट्टी को इम्प्रूव, अमेंडमेंट का काम भी करती हैं मिट्टी के, जब हम खाद मिट्टी में मिलाते हैं। और पानी की बात करूं अगर मैं, तो जब ऊपर की लेयर आपको थोड़ी सूखी दिखे मिट्टी की, तो इसमें पानी दे दीजिए, और लार्ज पॉट में इसको आप लगाएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। फर्टिलाइज़र, देखिए ये प्लांट है, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने सारे प्लांट्स को एक तो फरवरी में खाद देती हूँ अच्छी तरह से, वैसे मंथली तो एक एक मुट्ठी सब में डालती हूँ, अच्छी तरह से जो खाद देते हैं, मतलब हर प्लांट में एक एक पाव के करीब अच्छी तरह से खाद, वो मैं एक फरवरी में देती हूँ और एक सितंबर में देती हूँ, जब बारिश आके चली जाती है। बारिश क्या करती है, सारी इनकी खाद को लीच आउट कर देती है। ड्यूरिंग बारिश भी मैं खाद देती हूँ, एक एक मुट्ठी देती रहती हूँ, और लिक्विड खाद देती रहती हूँ। देखिए, मैं आज भी ये लिक्विड खाद दे रही हूँ अपने प्लांट्स में, ये देखिए जो मैं आपको बताती हूँ, तो ये हम लोग आज दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड एक्चुअली देते हैं ये ज़्यादा, आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, तो वो एवरी सैटरडे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब लोग बहुत प्लांट लवर्स हैं, तो वो उनका काम है वो सैटरडे संडे ये लिक्विड खाद वगैरह देते हैं, तो वो मैं ये लिक्विड खाद जो मैं बता रही हूँ ये मैं हर 15 दिन बाद देती रहती हूँ प्लांट्स को, और महीने में एक बार एक एक मुट्ठी वो भी देती हूँ, वो भी आपको इसको देनी है इसलिए बता रही हूँ। आज मैं इसमें लिक्विड खाद ये वाली भी डालूँगी, और अच्छी तरह वाली खाद फरवरी और सेप्टेम्बर में इसको दीजिए आप, आपका प्लांट्स बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, और फूल इसके इतने खुशबूदार आते हैं ना कि आप इसको लगाओगे तो खुश हो जाएगा आपका मन।
थोड़ा सा इसको गर्मी पसंद है, ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में ये इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब आप लगाएं तो अगर आपका ठंडा इलाका है तो अच्छी धूप में इसको लगाएं, और बहुत गर्म इलाका है तो ऐसी जगह लगाएं जिस जहाँ पर इसको हाफ डे सन मिले, पूरा सारा दिन की धूप ना मिले तो अच्छा है। ज़मीन में भी लगाएं तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं कि हाफ डे सन मिले तो और भी अच्छा है, ताकि सुबह का आधा दिन की मिल जाए धूप या शाम की मिल जाए तो आधा दिन की, बिल्कुल आफ्टरनून से। गमले के प्लांट्स को तो बचाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, ज़मीन में भी आधा दिन मिले तो अच्छा है। तो फ्रेंड्स मुझे, और हाँ इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, इसमें एफिड्स वगैरह कई बार लग जाते हैं, एफिड्स आपको नीचे दिखते हैं। अब ये मेरा प्लांट तो देखिए रिपॉटिंग शॉक में भी है इस टाइम, और नर्सरी से मैं लाई हूँ तो इसमें न्यूट्रिशन वगैरह की भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी लग रही है मुझे, तो आप अब मैं इसमें नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे भी करूँगी और ट्राइकोडर्मा भी डालूँगी इसकी मिट्टी में। ट्राइकोडर्मा मैं आपको बता चुकी हूँ बायोफंजिसाइड है, वो बहुत अच्छा होता है, मैं हर गमले में ज़रूर डालती हूँ अपने, तो फिर इसकी हेल्थ अच्छी होगी प्लांट की। तो फ्रेंड्स ये मुझे आपको इसके बारे में बताना था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और ये देखिए जरबेरा भी दिखा दूँ, इसका साइज़ देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा आया है जरबेरा का साइज़, इसको ये मौसम मुझे लगता है बहुत पसंद है देखिए, और कितनी ये बर्ड्स भी आ रही हैं, ये देखिए ये दूसरे वाले प्लांट में बर्ड आ रही है, इसमें भी आ रही हैं बर्ड्स, और एक्चुअली इसकी बर्ड क्या होती है, बड़ी छोटी सी होती है, नीचे दबी हुई रहती है और एकदम से निकल के आती है, देखिए ये दो बर्ड्स और आ रही हैं इसमें, और पहले छोटी सी होती है नीचे ये देखिए, फिर ये एकदम से ऊपर निकल के आ जाती है और इस पर फूल खिलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।